शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करबला पुलिस के नीचे आज अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि मौके पर पहुंची फिजिकल थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव पानी से निकालकर पीएम के लिए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहर की अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाला नितिन शर्मा कल सुबह 5 बजे से लापता था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। खोजबीन के दौरान ही लापता युवक की लाश करबला पुल के नीचे पानी में अर्धनग्न व्यवस्था में मिली है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को करबला पुल में फेंका गया है। कल एक गुम इंसान कायम हुआ था शाम के समय। नितिन शर्मा नाम के व्यक्ति अपने घर से बिना बताए चले गए थे, जिसके बाद थाने पर गुम इंसान पंजीबद्ध हुआ था। आज सुबह सूचना मिली कि एक डेड बॉडी करबला पुल के नीचे पड़ी हुई है, जिसकी पहचान नितिन शर्मा के रूप में हुई है। अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको वहाँ पे मार के डंप किया है, मार के फेंका है वहाँ पर, और अपन अभी पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद स्थिति क्लियर होगी और उसके जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई पुलिस करेगी।